हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप। गाइज, अगर इससे पहले वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो उसे देख लें, मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो देखिए इंसर्ट टैब में आप यहां से जाइए। पहला देखिए, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जो पहले से एक फॉर्मेटेड बॉक्स बना होता है। आप इसमें कुछ भी अपने कंटेंट लिख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के, आप जो स्टाइल लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको जो भी फॉर्मेट करना है आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, जैसे हमने शेप्स वगैरह में भी सीखा था, इसमें कोई शेप, कोई पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा कि आप अपने टेक्स्ट को इजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट जो हमारा देखिए वो आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या होते हैं गाइज? क्विक पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो पहले से हमारे बने हुए होते हैं डिजाइन, उसे हम क्विक पार्ट्स बोलते हैं। जैसे इसमें भी देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज बने हुए हैं, जैसे अगर मैं, जैसे हम कवर पेजेस बना रहे थे उसमें कमेंट, कंपनी नेम, मैनेजर नेम एक्सेट्रा जो भी लेना चाहते हो, तो देखिए एक हेडिंग आ जाएगा और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर का नाम दिया, अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो यहाँ शो नहीं करेगा, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैनेजर नेम शो करेगा कि मैनेजर का नाम है। ठीक है, ऐसे फिर आप कुछ और करना चाहते हैं इसमें, तो इसमें और भी ऑप्शन है। जैसे फील्ड, फील्ड क्या होता है, जैसे कोई छोटे मोटे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना चाहती हूँ, मैं इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कोई इसको मैं डिलीट कर देती हूँ सपोज, या मैं दूसरे पेज पे ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मार्क्स ले लिया, जैसे मेरे को 50+95 लेने हैं, इक्वल टू आंसर्स देना है मुझे इसका, हम वैसे कर सकते हैं। वैसे करना चाहते तो फील्ड में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मूला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप यही सेम फॉर्मूलास डाल देंगे। ठीक है, ऐसे प्लस की जगह माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह स्टार यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर सकते हैं, देन ओके कर देंगे तो देखिए इसका टोटल आ गया 145 आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे प्री फॉर्मेटेड स्टाइल होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। जैसे कोई भी कवर पेजेस है आपका, या हेडर फुटर है जो आपने लास्ट क्लास में भी सीखे, तो आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फुटर ले लिया, देन इंसर्ट, तो देखिए वही स्टाइल अप्लाई हो गया। आप यहाँ से सेम क्लोज कर देंगे तो सभी पेजों के नीचे हमारा पेज नंबर शो कर देगा क्योंकि हमने फुटर ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो ये हमारे क्विक पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, अगर हम अपने कोई टेक्स्ट को डेकोरेट करना चाहते हैं, कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई हेडिंग लेना चाहती हूँ, तो हम स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं आप और यहाँ पे अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दीप सर्च लिखा, इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके आप कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से कोई भी टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं। हमने होम टैब पे भी सीखा था गाइस, अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उसे देख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम जो ऑप्शन है यानी वर्ड आर्ट, हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, इसको कहीं पे प्लेस कर सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है वो गाइस हमारा आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर्स देखते हैं, बुक्स देखते हैं, तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है काफी बिग होता है, दो या तीन लाइन को कवर करते हैं, तो यहाँ से ड्रॉप कैप लेते हैं। तो देखिए जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, अगर मैं यहाँ कर्सर रखती हूँ तो ये ऑप्शन आएगा, अगर देखिए जैसे मेरा कर्सर यहाँ है तो ये ऑप्शन मेरा हाइड है, ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही ऑन होगा। जैसे मैंने पैराग्राफ लिया, यहाँ पे क्लिक किया और देन आप इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से ड्रॉप कैप लेंगे तो देखिए एक ड्रॉप्ड है ऑटोमेटिक। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइज ओ का बड़ा हो गया, अगर इन मार्जिन लेती हूँ तो लाइन से बाहर होगा और ड्रॉप लूंगे तो लाइन के अंदर ही होगा। ठीक है, तो आप जैसे लेने जाते ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तीन लाइन को कवर कर रहे हैं। आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन और यहाँ पे देखिए लाइन टू ड्रॉप आ रहा है, यहाँ से आप 4-5 जितना लेना चाहते हैं, इसमें 5 डाल दिया, देन ओके करते हैं तो देखिए 5 आ गया, यानी 5 लाइन को ये कवर करेगा, 1 2 3 4 5 पांच लाइन को एक साथ कवर करें। ऐसे आप देखिए नेक्स्ट पैग आपका पहला कैरेक्टर बड़ा रखना चाहते तो यहाँ कर्सर रखिए। ठीक है, फिर मैंने इसको यूज किया तो देखिए इसका वाई पहले कैपिटल हो गया। ठीक है, ऐसे इसका टी बड़ा करना चाहती हूँ तो यहाँ से ड्रॉप यूज कीजिए। ठीक है, तो गाइज ये होता है जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हम देखते हैं, पैराग्राफ्स का पहला लेटर हमारा काफी बिग होता है तो उसके लिए हम ड्रॉप कैप ऑप्शन यूज करते हैं, तो इसके लिए पैराग्राफ मस्ट होना चाहिए आपका। ठीक है गाइज,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।